नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आरोग्य ब्रह्मांड में और मैं हूं प्रियंका शर्मा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। जो देखा जाता है ये वो बीमारी है जो ज्यादा उम्र के लोगों में देखी जाती है, लेकिन अगर आज की बात करें तो आजकल ये युवाओं में बढ़ती जा रही है। कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका जो ये युवाओं में भी बढ़ती जा रही है, तमाम बातों पर बातचीत करेंगे स्वामी जी से, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य स्वामी ब्रह्मांड पुरी जी महाराज से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दर्शकों, अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और बीमारी का निदान नहीं मिल रहा है तो फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको स्वामी जी की सलाह मिलेगी, आपको स्वामी जी का मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित ही आपके वो रोग दूर हो जाएंगे। स्वामी जी, आज का हमारा विषय है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। तो सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है क्या। देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एक नॉर्मल जो हमारी जो मेड़ुरज्जा है ना, जी, इसके जो ब्रेन मेन हड्डी है ये फ्लेक्सिबल होती है, सर्वाइव करती है, इसी को हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। और उसमें L4, L5, DC इस तरीके के पार्ट्स होते हैं। अब इसके होने के काफी रीजन अगर, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने का जो कारण होता है प्रियंका जी, उसमें यह है कि जैसे व्यक्ति ज्यादा मोटरसाइकिल चलाता हो या फिर एक बैग वजन उठाता हो या फिर फीमेल में खासतौर से यह ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि फीमेल का पूरा बॉडी कंस्ट्रक्शन आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन्स पे ही डिपेंड होता है। जैसे किसी के श्वेत पदर होता है, इस तरीके से यह बीमारी हो जाती है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज, हमारा हम निश्चित ही हम इस पर ध्यान देंगे कि युवाओं की बात की जाए तो देखा जाता है कि युवाओं में दिन प्रतिदिन ये बीमारी बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है। देखिए, युवाओं की अगर हम बात करेंगे तो हमारे भारत का जो युवा वर्ग है वो एक स्टेटस सिंबल लेके जीता है जी। उसको ये बिल्कुल पता ही नहीं है कि मतलब मेरी बॉडी से क्या लेना है, खान पान से क्या लेना है। हमने हमेशा अपने युवाओं को एक ही संदेश दिया है कि आप प्रकृति से जुड़कर चलें, न्यूट्रिशियस फूड को खाएं। कैल्शियम अनबैलेंस हो जाता है, आप एक मान करके चलिए कि एक बच्चा है उसको जो खाना चाहिए वो नहीं खाता, जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है, तो उसके लिए उसे दिक्कत होनी है। जैसे मान लीजिए युवा वर्ग है, या युवा वर्ग के बच्चे को आज दूध नहीं खाना है, पालक नहीं खाना है, हरी सब्जियां नहीं खानी है, ये सारी चीजें नहीं खाएगा तो उसके अंदर कैल्शियम जनरेट होगा ही कहां से। अच्छा, कुछ चीजें ऐसे हैं कि आप जितनी भी चीजें खा रहे हो सब में पेस्टिसाइड है, एक तरीके से पॉइजन है। जैसे आप युवाओं की बात करेंगे, एक मेल या फीमेल के फिजिकली ग्रोथ की बात करेंगे जी। एक लड़की 22 साल की उम्र में जो उसका कंप्लीट वीमेन फिजिकली ग्रोथ होता था, आज वो 70-80 ईयर में वो दिखाई पड़ती है, लेकिन वो फिजिकली डेवलपमेंट है, इंटरनली वो किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होती है। ऐसे युवा वर्ग है, युवा वर्ग क्या है, पिज्जा खा रहा है, चीज खा रहा है, फालतू फैटी आइटम्स खा रहा है, इंटरनली वो मजबूत नहीं है लेकिन फैट उसके बढ़ जा रहे हैं। तो ये चीजें है, प्रोटीन्स की चीजें खाने के चाहिए, कैल्शियम की चीजें खानी चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खानी चाहिए, तो युवा वर्ग इसको खाता ही नहीं है। तो दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है कि ये स्टेटस सिंबल बन गया है, भाई कोई स्मोकिंग करेगा, कोई ड्रिंक्स करेगा, कोई कुछ करेगा, प्रकृति से दूर जाएंगे। तो हमारा युवा वर्ग जीवन जीना चाहता है बट जीवन जीने की कला को भूल गया है, ये इसका मूल कारण है। स्वामी जी, जैसा कि हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, आजकल लोगों को होता है कि वो दूध नहीं पी सकते हैं, कहते हैं कि दूध पीने से हमें वोमिटिंग हो जाती है, हमें एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, तो क्या करें वो, और जो वो प्रोटीन का सेवन कर सके क्या क्या सेवन करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि दूध पीने से कभी भी, दूध एक अमृत है बिल्कुल, और दूध पीने से कभी भी किसी को वोमिटिंग नहीं हो सकती, ना ही नेचुरल दूध जो है जी उससे किसी को एसिडिटी बढ़ती है। आजकल मिलावटी चीजें आने लगी हैं बाजार में, इस चीज से हो रहा है। थोड़े दिनों के बाद जैसे नीरोबियान का इंजेक्शन आता है ना, ऐसे गाय के घी का इंजेक्शन और दूध का इंजेक्शन मिलेगा, क्योंकि लोगों को खाना है, उगाना किसी को नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें बड़े प्रॉब्लम हो जाती है जी। देखा जाता है स्वामी जी, अगर हम बात करें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की, तो इस बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन सी जगह से हमें लगता है कि ये हमारे सर्वाइकल पेन है, ये हमें स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी का शिकार बना रहा है, कहाँ से इस रोग की शुरुआत। देखिए, आप सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लक्षण की बात कर रहे हैं जी।
और हर बार हम कहते हैं कि दर्द कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों का आईना है। आईना है बिल्कुल। इस तरीके से इसके जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्पॉन्डिलाइसिस में होता क्या है कि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है, मेन बोन में गैप होता है और ब्रेन में जाने वाली सारी नसें इसी से लिपट करके जाती हैं, वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं और ब्रेन की नसों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के वो हम कहते हैं कि भाई अब इसमें हमारे पैरों में सुन्नपन होने लगा, झनझनाहट होने लगी, चक्कर आने लगा, हाथ पैर शून्य पड़ने लगा, ये सारी चीजें उसको इंडिकेट करती हैं। बट कई बार डॉक्टर्स इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भ्रम में प्रियंका जी कैसे पड़ते हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए कि साइटिका और स्पॉन्डिलाइसिस दोनों के सेम लक्षण है, जैसे HIV और TB के सेम लक्षण है। जी स्वामी जी, हम बात करेंगे कि किन किन हिस्सों में ज्यादातर ये फैलती है, कहाँ तक असर करती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास एक मेल आई हुई है सुनील कुमार जी की कोटा से जी। कहते हैं मेरे शरीर में कई जगहों पर गांठ बन चुकी है, बहुत दर्द होता है उन गांठों में और काफी मोटी होती जा रही है, दवा ले रहा हूँ लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, क्या आयुर्वेद में इसका मेरे लिए कोई इलाज है? देखिए, शरीर में गांठ हो जाना जी, उसमें पेन होना, गांठ कई रीजन से होते हैं, रेड सेल्स की गांठ होते हैं, ट्यूबोक्लाइसिस के भी गांठ होते हैं, कैंसर के भी गांठ होती है, या कई बार हमें चोट लग जाए, ब्लड नहीं निकले तो इंजरी हीलिंग जैसे ब्रेन में है तो ब्रेन ट्यूमर जैसे स्वरूप ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात सुनील जी से ये कहना चाहूंगा कि डायग्नोसिस करें कि वो गांठ है किस चीज की, वो टीबी की है, कैंसर की है या ट्यूमर्स है, इंजरी हो रही है, उसके बाद में उसका निदान किया जाता है। बाकी आयुर्वेद की अगर हम बात करेंगे तो आयुर्वेद में तो सब कुछ संभव है, इसीलिए कहा गया है कि आयुर्वला यशोवर्चः प्रजापासुनी सुनिच ब्रह्म प्रज्ञा नो देही तुम देही वनस्पति। आयुर्वेद तो आयु बल को बढ़ाने में पूर्ण रूप से कार्य करता है। जी स्वामी जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम दीपक है मैडम। जी दीपक जी, कहां से बोल रहे हैं आप? मैं लाहौर मैडम, मैं पंजाब से बोल रहा हूं। जी अपनी समस्या बताएं स्वामी जी को। मैडम मेरी परेशानी ये मेरे पेट में मैम ये ठीक से सफा नहीं हो पाता और प्रॉब्लम होती है काफी, गैस वगैरह बनती है, तो इसके लिए डॉक्टर बता पाए कुछ। कितने टाइम से शिकायत है आपको इसकी? ये मैडम 8-10 साल हो गए, मेरी उम्र भी 25 साल है अभी। जी 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 बिल्कुल, आपको आपकी समस्या का निदान होगा, स्वामी जी जरूर बताएंगे। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात ये बताएं कि डाइजेशन का ठीक ना होना ये काफी चीजों को इंडिकेट करता है। कई बार हम इसको मेडिसिन के ऊपर ही बैठे रहते हैं, जैसे कई जगह का पानी भारी होता है, TDS कम ज्यादा होते हैं, क्षारीय पानी अगर हम पीते हैं, अम्लीय पानी पीते हैं तो भी हमको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार हमारे खान पान में भोजन उपरांत तोयम विषम वारणी और तोयम अमृत वारणी, खाने के बाद में जो ये पानी है जहर भी होता है और अमृत भी होता है। जठराग्नि मंदाग्नि जब बढ़ जाती है तो मल सूख करके आंतों में चिपक जाता है, इसलिए मल त्याग पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ से ब्रह्मांड पाचक चूर्ण का सेवन कर सकते हैं और जहां तक हो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से भी होता है तो थोड़ा तनाव मुक्त जिंदगी जिए और पानी गर्म करके ही पिए। दीपक जी आशा करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा, स्वामी जी ने जो भी आपको बताया है उस पर ध्यान दीजिएगा और उपचार कीजिएगा, हो सके तो आप दवाई भी मंगाइएगा ताकि आपको इस चीज से जरूर निदान प्राप्त हो। स्वामी जी हमारे पास एक और मेल आई हुई है नारायण जी की मेरठ से, कहते हैं सर नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे गले में 2-3 सालों से कुछ प्रॉब्लम रहती है जी, और ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है जी। कभी कभार मैं गरारे करता हूँ तो गरारे करते वक्त सफेद सफेद पीसेस आते हैं और चुभन सी होती है, दिक्कत बहुत आती है और थोड़ा अजीब सा भी लगता है, तो आप मुझे बताएं ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है 1 महीने से, तो कृपया मेरे को निदान करें, कड़वा कड़वा सा लगता है, कुछ भी खाया नहीं जाता, खाता हूँ तो स्वाद युक्त नहीं लगता मुझे। देखिए मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे गले में कोई चीज का चुभना, फर्स्ट वो इंडिकेट करता है टॉन्सिल को जी। दूसरा वो इंडिकेट करता है कि वात और कफ बढ़ जाने से भी ये सिचुएशन होती है या थ्रोट में इंटरनली इन्फेक्शन हो रहा है जी। इन सारी बीमारियों का रिलेशन लीवर इन्फेक्शन से होता है
अगर लीवर इन्फेक्शन है, लंग्स में कार्बन जमा हो रहे हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होता है। बाकी मैं छोटा सा इलाज बताऊंगा आपको, अगर अपने घर में रहते हुए तुलसी, लौंग, काली मिर्च, सोंठ और गुड़, इसका काढ़ा बना ले। काढ़ा बना करके जब नीचे उतार ले, नीचे उतार करके उसमें एक नींबू के चौथाई हिस्से नींबू का रस मिला करके दिन में 3 बार पिए, आपको इससे राहत मिल जाएगी। फिर कई बार आहार नाल श्वास नाल के बीच अगर कोई गांठ है, तो गांठ है तो वो किस चीज की गांठ है उसको ऑब्जर्व करने के लिए डायग्नोसिस किया जाएगा, और जब हमें पता लग जाए कि इसका रीजन क्या है तभी हम ट्रीटमेंट कर सकते। दर्शकों, हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, हमें ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, हम इसको अच्छे से नहीं रखेंगे और हम बीमारियों से घिरते रह जाएंगे और उनसे परेशान होकर घुटने टेक देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हमारा शरीर है, हमारी बीमारी है, तो इसको दूर करना हमारा कर्तव्य है। अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी परेशानी का शिकार है, तो फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप फोन के स्वामी जी से बात कर सकते हैं, उनसे भेंट भी कर सकते हैं। सद्गुरु सेवा केंद्र पर स्वामी जी आपको मिलेंगे, उनसे बात कीजिएगा, अपनी समस्या को बताइएगा और उसका निदान प्राप्त कीजिएगा। स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ कहाँ फैलती है और कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव देती है। देखिये, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रभाव तो पूरे बॉडी पे हो जाता है, और इसका अगर डीप करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बाद में आदमी जो है जिंदा लाश बन जाता है जी। अगर ये ज्यादा हो जाए तो पैरालिसिस हो जाता है, और बढ़ जाए तो आप बंदा जो है कोमा में भी चला जाता है, समझ रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादातर लोगों में यहाँ बैक साइड में L4, L5 में पाया जाता है, L1 में पाया जाता है, इधर गर्दन पे भी पाया जाता है। अब इसकी एलोपैथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एलोपैथ में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा वेट अट्रैक्शन करेंगे, गले का पट्टा दे देंगे, कैल्शियम की टेबलेट, पेन किलर मेडिसिन, एक्सटर्नल जो आप मालिश के लिए ट्यूब या आयलमेंट, यही दे सकते हैं जी। तो ये अगर मान लीजिए L4, L5 में नस में है, ये नस में ब्लॉकेज होने लगी, तो सारी मेडुलोज्जा से लिपट के नसें ब्रेन को गई हुई है। अब ब्रेन पे अगर चली गई और इस कंडीशन में फीवर आ गया तो पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इस बीमारी का हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता है। टोटल दिमाग पे ही पड़ता है, पूरे बॉडी में पड़ता है ना जी। हमारे जितनी भी वेन्स है वो रिटर्न वेरिकोज वेन्स है ना, एक से सीधे जा रहे हैं तो दूसरे से संचालित हो रही है जी, जी, जी। और हमारे ब्रेन में 150 बीटा सेल्स और 6 सिक्वेंसेस है ना जी। सारे रक्त संचार पे ही डिपेंड करते हैं। तो अगर ये हमारी नस दबती है तभी होता है ना। अगर मान लीजिए वो कैल्शियम ज्यादा खींच गया, लिगामेंट ज्यादा खींच गया, वहां इंजरी भी बन सकता है, वहां पर कैंसर भी हो सकता है, वहां पर टीबी भी हो सकता है। तो इसके लिए ज्यादातर लोगों को संभाल करके रहने की जरूरत होती है, और इसका साइड इफेक्ट पूरी बॉडी पे है, जिंदा लाश बना देता है ये एक तरीके से। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है? नहीं है, जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक नहीं है, जेनेटिक लोगों की मिथ्या होती है कि ये मेरी मम्मी को था या मेरे पापा को था तो इस वजह से मुझे भी ये प्रॉब्लम है, तो इस मिथ्या को दूर कीजिए। देखिए, ऐसा एक भ्रांतिवाद है कि मम्मी को था, पापा को था, लेकिन जैसे डायबिटिक है वो जेनेटिक में आ सकती है, और बीमारियां होती है, लेकिन ये स्पॉन्डिलाइटिस का लेना देना जेनेटिक नहीं है, या आनुवंशिक बीमारी नहीं है। बाकी अगर हम अपने शरीर को संभाल के नहीं रखते हैं, बिल्कुल शादी का गिफ्ट, बर्थडे का गिफ्ट संभाल के रखते हैं, और परमात्मा ने इतना सुंदर गिफ्ट दिया इसको संभाल के नहीं रखते हैं, तो मेरे ख्याल से बीमारी को न्योता देते हैं। और आजकल युवा वर्ग थोड़ा सा एक स्टेटस से मिले कि मैं स्लिम दिखना चाहती हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखना चाहती हूँ, क्योंकि उनका एक थिंग्स है ना कि भाई मैं सुंदर दिखूं तो लोग अट्रैक्ट होंगे। भाई बहन, आपसे कोई अट्रैक्ट हो या ना हो, लेकिन रोग जरूर अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए हेल्थी फ्रूट्स खाइए और हेल्थी डाइट लीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज समथिंग जी। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों, हमारा शरीर, हमारा जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक महत्वपूर्ण तोहफा है। इस तोहफे को संभाल कर रखिए, इस तोहफे की देखभाल कीजिए। बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट, इनको संभाल कर रखने की बजाय आप अपने
शरीर को संभालिए, अपने शरीर को सवारिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ऐसा तोहफा है जो एक बार मिलने के बाद या एक बार जाने के बाद आपको दोबारा बहुत मुश्किल से हासिल होगा। अगर आप किसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, उसका निदान नहीं मिल रहा है, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो परेशान ना हो, हर समस्या का समाधान होता है और निश्चित ही उसका समाधान हमारे इस प्रोग्राम में है। तो फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। स्वामी जी आपकी सभी समस्याओं का निदान करेंगे, आपको रोगों से मुक्त कराने का एक सार्थक प्रयास करेंगे। स्वामी जी आजकल यूथ में देखा जाता है कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझे अपनी बॉडी बनानी है, बॉडी फिट करनी है, योगा करना है, तमाम तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पर का इस पर भी ये भी एक वजह है? देखिए जी, ज्यादातर अगर हम बात करेंगे जिम की, बिल्कुल, एक्सरसाइजेस की या योगा की, तो मैं आज आपको एक चीज कहना चाहूंगा, पूरे विश्व में जितने जितने योगाचार्य हैं, शायद मैं कड़वा हूँ, मुझे सुनने की आदत भी है और मैं हमेशा सुनता हूँ, तो योग का ज्ञान ही नहीं है उनको जी। योग उसे कहते हैं जो एक अयोग्य को भी योग्य बना दे। योगा कोई नहीं सिखा सकता है किसी को, ना कोई संसारी व्यक्ति योगा कर सकता है। योग के जो मूल 5 लक्षण 7 लक्षण है, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ध्यान, धारणा और समाधि, ये उस योग की बात है जीवात्मा को परमात्मा को पाने के लिए। अष्टांग योग है, 8 प्रकार के योग है हमारे यहाँ, कर्म योग है, हठ योग है, सिद्धि योग है, साधना योग है, लेकिन हम जिस योग की बात करते हैं ये योग नहीं है, ये देव योनि के आयाम और व्यायाम है। नेति धेति कपाल भस्ति उड्यन नौली, ये जो है पंच कर्म की क्रियाएं हैं, हमारे मूल 4 आसन है, सिद्ध, स्वास्तिक, सुख और पद्मासन। अब होता क्या है, आसन करना आवश्यक है, देव योनि के आयाम और व्यायाम है, जो चीजें हम कर रहे हैं, हमारे भारत में ऋषि परंपरा है, दैनिक दिनचर्या में ही हर आसन छिपे हुए है। हमें भोजन करना है तो कैसे करना है, पद्मासन में बैठ के करना है हमको ना, तो जब हम पद्मासन में बैठ के करते हैं तो हमारी जठराग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। भोजन के बाद हमें वज्रासन में बैठना होता है, हम जब हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं तो ये पुश होती है, ये तीनों पॉइंट्स है ना। जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो यह जान, खैर वो दूसरी तरफ चैप्टर चला जाएगा, अपने विषय पर ही रहे। तो बाकी मैं ये कहूंगा कि अगर मान लीजिए किसी को स्पॉन्डिलाइसिस है तो स्थिर आसन से सुखम, जिस आसन में उसे सुख की अनुभूति है वो वही आसन करे, अन्यथा उसको दुष्परिणाम भी मिल जाता है। रही बात जिम में जाने से कुछ नहीं होता, भूखे मरने से किसी का वेट कम नहीं होता और ज्यादा खाने से किसी का वेट नहीं बढ़ता है जी। आप जब जाते हैं वहां पर तो क्या, आजकल अपनी दुकान चलाने के लिए लोग स्टेरॉइड देते हैं, उसे खाते रहिए, पानी पीते रहिए, जब तक आपने खाया हेल्थी दिखेंगे, और जिस दिन आपने छोड़ दिया गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, इसलिए उसका कोई महत्व तो नहीं है जी। लेकिन स्वामी जी ये जिम ज्वाइन करना, या हम जिम को भी ना कहें, हम ये कहें कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो हम अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं, तो क्या हमारी ये गलत एक्सरसाइज हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार बना सकती है, कारण बना सकती है? ऐसे आपके मान लीजिए जो योग्य है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा आसन कर रहे हो जी। जी आप सूर्य नमस्कार के 12 के 12 प्रक्रियाएं कर रहे हो, बिल्कुल, उत्तान पाद कर रहे हो, चक्रासन कर रहे हो, या फिर आप शीर्षासन कर रहे हो, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी का ह्यूमिडिटी पावर ही आपको इंडिकेट करता है। और जैसी आपकी शक्ति है, जिस तरीके से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है तो उसे करने की चेष्टा ना करें, और करें तो उतना ही करें जितना आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो रही है। पड़ोसी को देख करके अपना घर नहीं फूंकना चाहिए कि भाई उसने बहुत अच्छा किया, अब 15 साल की कन्या कहे मैं मांग में सिंदूर लगा के अच्छी लगूंगी, तो ऐसा नहीं है, विवाह तो समय पे ही होता है जी। स्वामी जी हमारे पास एक मेल आई हुई है त्रिमोहन जी की, दिल्ली से, कहते हैं मेरे गुर्दों में काफी दर्द रहता है, मैं रात में सो भी नहीं पाता हूँ, इतना गंभीर दर्द होता है, डॉक्टर को दिखाया तो बोलते हैं कि गुर्दे खराब हो चुके हैं, तो क्या आयुर्वेद में मेरे लिए कोई इलाज है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे उचित दिशा दिखाएं। देखिए गुर्दों में दर्द होना वो अलग चीज को इंडिकेट करता है, बिल्कुल, गुर्दे खराब हो जाना वो बिल्कुल अलग चीज को इंडिकेट करता है।
जिसे वो डायग्नोसिस करके देखा जाएगा कि इसके खराब होने का रीजन क्या है, क्रिएटिनिन कितना है, ESR कितना है, ब्लड यूरिया कितना है, उसके बाद उसका निदान किया जाएगा। आयुर्वेद में 110% इस बीमारी का निदान है, लेकिन पेशेंट का कोऑपरेशन चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना। वही दवा गर्म पानी से देंगे तो दूसरा रोल करेगी, वही दवा ठंडे पानी से देंगे तो दूसरा रोल करेगी। क्या आप त्रिमोहन जी को बताएंगे कि अगर उनके गुर्दों में दर्द है तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? उनके गुर्दों में अगर दर्द है तो साधारण उन्हें गोझरण का सेवन करना चाहिए जी। और गोझरण को एक अमृत के तुल्य माना गया है, उसमें गुड़वेल, तुलसी और पुदीना, ये तीनों बॉयल करके उसके अर्क को लिया करें, और सुबेरे के समय एक एलोवेरा बर्फी के टुकड़े इतना ऊपर से काट करके खाएं, साथ में उसको 10 चावल के दाने खा लिया करें, काफी राहत मिल जाएगी जी। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों अगर आप भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, आपको किसी भी रोग के शिकार हो चुके हैं, बड़े से बड़ी बीमारी या छोटे से छोटी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो मत जूझिए, मत परेशान होइए, मत चिंतित होइए, बस फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप सद्गुरु सेवा केंद्र में जाकर स्वामी जी से मिल सकते हैं, उनसे भेंट कर सकते हैं, अपनी समस्या को बताकर, अपनी बीमारी को बताकर उससे मुक्त हो सकते हैं। स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की, तो अगर बात करें हमारे खान पान की, हमारी डाइट की, तो ये बताइए कि हमारी डाइट का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में क्या रोल है, क्या योगदान है? देखिए, जब आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का पता लग जाए कि है, तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन ये है कि आपके शरीर का वजन ना बढ़े जी, फैटी आइटम्स टोटल बंद कर दीजिए, गद्दे पे बिल्कुल सोना छोड़ दीजिए जी, सिर के नीचे तकिया लगाना छोड़ दीजिए जी, जी। वजन ना उठाए, और सबसे ज्यादा इरिटेशन होना, मानसिक तनाव में नहीं जीना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारे स्पाइन में गैप है, हम स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है, और हमारी 5 फीट 4 इंच हाइट है, और मेरा वेट 90 किलो हो गया, तो हमारे लिए नुकसान है वो। किसी भी तरीके से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट का वेट बढ़ना उसके लिए बहुत ही दुखद परिणाम दे सकता है, इसलिए उसको खान पान पे बहुत ही नियंत्रण रखना होता है। अब बात करें हम इसको डायग्नोस करने की, तो हम इसको किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं अपने सद्गुरु सेवा केंद्र? देखिए, सद्गुरु जन सेवा में अब काफी चीजें ऐसी हैं प्रियंका जी, जो ये भारत है जी। और भारत ऋषि परंपरा से संपूर्ण सृष्टि में है, और ऋषि ही रिसर्च करते हैं, अगर भारत में ऋषि नहीं होते तो रिसर्च कोई कर ही नहीं सकता था। आयुर्वेदिक पद्धति में ना तो किसी एक्सरे मशीन की जरूरत होती थी, ना किसी को सोनोग्राफी की जरूरत होती। आपने देखा है कि अगर आप अपनी दादी माँ को या किसी को सुनते होंगे तो भाई औरत को देखा, बोले इसको बेटा ही पैदा होगा, वो गर्भवती है, उसने कोई मशीन नहीं देखी, नहीं कोई टेस्ट नहीं कराया, वो कहती बेटा ही होगा और बेटा ही होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ बंदा आता है, हम उसको कहेंगे भैया ये वजन उठाओ, बैक साइड में झुक जाओ, फ्लैट में झुक जाओ, तो हमारे एक्सपीरियंस के आधार से हम यहाँ तक समझ जाते हैं कि इसको L4 में है, L5 में है, L1 में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो अब आधुनिक युग आ गया है, उसके लिए एक्सरे है, MRI है, इस तरीके की रिपोर्ट करवा करके फिर लोग आते हैं, उनको हम उस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं जी। बात करें आयुर्वेद के उपचार की और आपके संस्थान की जी। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए क्या क्या आपके पास दवाइयां मौजूद हैं, किस प्रकार हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बीमार मरीज का इलाज किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ की अगर बात करेंगे तो हमारा बिल्कुल विलक्षण महिमा है सब जी। और मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, करने वाला तो मेरा परमात्मा है बिल्कुल, मैं तो सिर्फ माध्यम मात्र। और हमेशा कहता हूँ कि मेरे सामने जब कोई रोगी आता है, अगर युवा सिस्टर के जैसे ही आती है तो मैं उसको रियल सिस्टर मान करके सेवा करता हूँ, अगर कोई जवान भाई आता है तो अपना सगा भाई, और अगर कोई बूढ़ी माँ है तो अपनी सगी माँ से मानकर सेवा करता हूँ, इसलिए परमात्मा मेरे हाथ में यश देता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे पेशेंट आए, हम उसको देखते हैं कि भाई इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है तो कहाँ है, L4 में है, L5 में है या L1 में है, जहां भी है हम उसको देखते हैं, उसके बाद हम उसको अपने हिसाब से मसाज साइलमेंट्स देते हैं, और यहाँ पर मालिश के बाद कभी इसकी मालिश जो करी जाती है ना वो ताकत से नहीं करनी चाहिए जी। बिल्कुल हल्के हाथ से, पॉम से या फिंगर से करनी चाहिए, उसके बाद हम उसे कुछ एक्सरसाइज के मोमेंट्स देते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मेडिसिन देते हैं जी। खाने के लिए मेडिसिन देते हैं और लगाने के लिए तेल भी देते हैं। हमारी मेडिसिन को यूज करने से पहले हम उसको कहते हैं अपने सारे रिपोर्ट कर लो, माना आज आपके मन के में गैप,
आपके स्पाइन कोड में 2.5 सेंटीमीटर का गैप है जी। 3 महीने के बाद आप फिर एक्सरे करो, 2.5 सेंटीमीटर वाला गैप 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 महीने के बाद फिर करो, उसके बाद कोई गैप नहीं रहेगा, लेकिन उसमें पेशेंट को वैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में ज्यादा से ज्यादा बेड रेस्ट, एक्सरसाइज, हल्की डाइट की जरूरत होती है। कितने समय के बाद उनको निदान प्राप्त हो जाता है, या यूं कहें कि थोड़ा थोड़ा असर वो कहने लगे कि हाँ मुझे थोड़ी राहत है, मुझे थोड़ी सहूलियत है? थोड़ी राहत और थोड़ी सहूलियत मेरे यहाँ 20 मिनट में मिल जाती है। बहुत खूब। बात करें हम लाइफस्टाइल की, तो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सहूलियत जो लोग सुन रहे हैं, 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट, बिल्कुल 20 मिनट में थोड़ी राहत और थोड़ी सहूलियत स्पॉन्डिलाइटिस वाले मरीज को मिल सकती है। 20 मिनट सिर्फ वो मेरे पास आएगा, 10 मिनट बैठेगा, मैं उसके शरीर में जो मेरे पॉइंट्स हैं मैं उनको पुशअप करूंगा जी, जी। बस मुश्किल से 2 मिनट तेल लगा के ऐसे ऐसे कर दूंगा, आपको बाहर तेल नहीं दिखेगा, बॉडी ऑब्जर्व कर लेगी। और जो बंदा झुक नहीं सकता है ना, उसे मैं 20 किलो वेट उठवा दूंगा अगले 20 मिनट में। क्या बात है स्वामी जी। अगर हम बात करें अपने लाइफ स्टाइल की, तो हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या हमें चेंजेस करने चाहिए ताकि हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी का शिकार ना हो पाए, और अगर हम शिकार हैं उसके, हम उससे ग्रसित हैं, तो हमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, कृपया हमारे दर्शकों को। देखिए प्रियंका जी, ऐसा है कि अगर हमें लाइफ स्टाइल देखना है कि स्पॉन्डिलाइटिस ना हो जी, तो जिस तरीके से मैंने एक सर्वे किया है, तो भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो मौत होती है उनके होने का मूल कारण कैंसर है। ठीक है, कैंसर इसलिए है कि जब लास्ट मोमेंट पर वो आते हैं तो उनका ब्लड लेवल 3 और 3.5 के बीच में हो जाता है, और किसी भी व्यक्ति का जब 4.5 हो जाएगा ना, तो आप मान के चलो 4.5 अगर उसका ब्लड है तो उसे ब्लड कैंसर हो जाएगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। तो ठीक उसी स्थिति में आप ये मान करके चलिए कि जैसे हम जो खा पी रहे हैं, हमारे खान पान में एक तो हम बाहर से स्ट्रांग ना हो बट इंटरनली स्ट्रांग होने चाहिए। हमें खाने चाहिए न्यूट्रिशियस फ्रूट, हमें टाइम से भोजन की जरूरत है, टाइम से नींद की जरूरत है, एक बेसिक दिनचर्या की जरूरत है जी। हम किसी चीज से किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप ये छोड़ दो, सारे काम करो बट एक लिमिटेशन में जी। जितना आपका शरीर गवारा करता है, जितना आपको डाइजेस्ट है, अब आप चीज खाओगे, पिज्जा खाओगे, समोसे खाओगे, ये खाओगे और उसी के ऊपर जीवन जीने लगोगे जी, तो नो डाउट मानसिक तनाव बढ़ने लगेगा और आपका वात और कब बढ़ जाएगा। जब वात आपको बढ़ जाएगा तो आप देखने में हेल्थी लगोगे लेकिन अंदर से आप कमजोर रहोगे, और खास तौर से महिलाओं में यह पाया जाता है। तो हमारी युवा बहनों को, हमारी कन्याओं को, हमारी बेटियों को कहूंगा कि आप खान पान में ध्यान रखें, क्योंकि 17-15 साल के बाद उनके साथ जो दैविक गति है, परमात्मा की देन है, सृष्टि की रचयिता है, जगत जननी है वो, तो वहाँ जो मासिक धर्म वगैरह भी, जो आफ्टर बी फोर होना या लिक्वेरिया का हो जाना, सत प्रदर का हो जाना, ये सारी चीजें तभी सही होंगी जब आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे, आपकी बॉडी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी। समय से ही सारा काम करें, समय से खाएं, ये मेरा कहना है। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से लोगों को अवगत कराया और उनको बताया कि इलाज संभव है इसका। अगर आप सोचते हैं कि ये अब लाइलाज है या इसका इलाज संभव नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इलाज संभव है। आपके सद्गुरु सेवा केंद्र पर इसकी दवाइयां मौजूद हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, दर्शकों अगर आप आयुर्वेद के माध्यम से अपनी बीमारी को दूर करना चाहते हैं, अपनी बीमारी का इलाज पाना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए उन नंबर पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का, लेकिन जाने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो परेशान मत होइए, सतगुरु सेवा केंद्र आपके लिए निरंतर प्रयासरत है। आप फोन उठाएं, कॉल करें हमें उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आरोग्य ब्रह्मांड, हमारा नंबर है 8010811811। बैंक अकाउंट नंबर है 02612000008481। कोटक महिंद्रा, IFC कोड है KKBK0000261। JMD रीजेंट स्क्वायर, हमारा पता है सतगुरु जनसेवा केंद्र, सतगुरु फार्म हाउस ऑपोजिट मारुति गेट नंबर 1, दिल्ली रोड, गुड़गांव। पिन है
1-22-001. Thank you.